अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो के करते हैं आगाज। तो सुबह का टाइम है, नाश्ता कर रहे हैं सब मिलजुल के, बच्चे बैठे हुए हैं तो लेट ही सोए थे तो लेट ही उठे हैं, तो ये दोपहर का टाइम लगा ले, नाश्ता डिनर लंच सारा मिक्स हमारा चलता है जब इकट्ठे होते हैं। आपको पता है टाइम ऐसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, तो सब इकट्ठे नाश्ता नुश्ता सब इकट्ठे चल रहा है। तो हसबे मामूल हम दोनों निकल पड़ी है अपनी ड्यूटी पे। मुझे खुद हंसी आ जाती है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, सच्ची में क्या करे फिर घर में रह रहे कि क्या करे। तो आगे आने वाले दिनों में ना मार्केट वगैरह आज भी बंद हो जानी थी, तो कुछ चीजें चाहिए थी, तो मैं ना जो भी लूंगी जहां से भी लूंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो किचन की चीजें हैं, कुछ घर की चीजें हैं, इतनी खास नहीं है कि बच्चों के कोई मैंने कुछ भी नहीं लेना था, क्योंकि हर वक्त बच्चियां ने चीजें लेते रहो बाकी फिर चीजें रह जाती हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ, जो तो यहाँ रहते हैं ना उनको तो पता है मैं डामशर जा रही हूँ, वहां पे सेंट्रूम है, छोटी छोटी दुकानें, उधर बहुत ज्यादा सेंट्रूम है सच्ची में। तो वहां पे ना समझ नहीं आती पता किस सेंट्रूम में ज्यादा जाए तो कहाँ पे। तो मैं खैर आज कहते हैं ना लूप टाइप में नहीं जाऊँ, क्योंकि अंदर चले जाना फिर बंदा वैसे थक जाता है। मैं जो बाहर छोटी छोटी दुकानें ना वहां पे जाऊंगी, सबसे पहले मैं एक्शन मार्केट में घुसूंगी। एक्शन मार्केट से मैंने पेन वगैरह लेने हैं, क्योंकि इनके पेन और उनकी देगची बहुत अच्छी है। मुझे पूछते हैं ना कि आपने कहाँ से ली है ये देगची, ये देगची, ये पेन कहाँ से ली है। तो मैंने जितनी भी छोटी चीजें पेन, छोटे पेन हो गए, या मेरी देगची भी एक नॉनस्टिक जो मैं यूज करती हूँ, मैंने यहाँ से ही ली थी, और इतनी महंगी भी नहीं होती, बंदा कह के अफोर्ड नहीं कर सकता। 12-13 यूरो की जो पैन है, जो फ्राई पैन है, वो 7 से 10 के अंदर अंदर ही उसकी प्राइस होती है। तो बहुत अच्छी इनकी चीजें होती हैं, खास तौर पर ये वाले जो बर्तन है, तो मैं यहाँ से ही लेके जाती हूँ। तो मेरे घर से ना ये काफी दूर है, तो जहाँ मैं रहती हूँ वहां भी है लेकिन स्पेशल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अगर जाती हूँ ना फिर मुझे लालच होता है कि मैं आई हूँ तो ये वाली चीजें मैं ले जाऊँ। तो यहाँ पे मैं लेने आई हूँ अलग अलग किस्म के पेन, मैं भी आपको दिखाती हूँ, दिखाऊंगी भी कौन से मैंने लिए हैं, कौन से कितनी प्राइस में थे। तो जरूरी यहाँ से एक्शन मार्केट, मुझे पूछते हैं ना कौन सी मार्केट है, तो मैं 2-3 दफा नाम ले चुकी हूँ, एक्शन मार्केट, एक्शन मार्केट। ये वीसबादन में भी है, और ये जहाँ मैं रहती हूँ क्या कहते हैं उसको, लोबनहाइम के, नहीं लोबनहाइम नहीं, हाँ उस साइड पे भी है जहाँ मैं रहती हूँ ना, मुझे ये भी जरा बड़ा पूछा जाता है। तो लेकिन ये जहाँ मैं गई हूँ ये डार्मस्टाट वाइटरस्टाट स्टाटहाइल में है, तो आप लोग भी जा सकते हैं, जो तो जाते हैं जिनको तो पता है उनको तो पता है, जो नए आए ना मैं उनके लिए बात करती हूँ, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पता, आइडिया ही नहीं होता कि कौन सी मार्केट है, कहाँ से ली है, तो फिर मुझे बताना पड़ता है ना। तो कोई मसला नहीं, मैं बता भी देती हूँ मुझे कौन सा इतना बिल आना है, तो मेरी तो ड्यूटी है ना जो मैं जहाँ से लूँ मैं आपको बताऊँ। मेन मार्केट जो थी ना, एक तो एक्शन थी और एक अभी मैं इसमें जा रही हूँ, ये तुर्की मार्केट है, फर्नीचर की, मोबाइल की, बर्तनों की मिक्स है। तो इनकी फर्नीचर में भी अभी आपको ना, मैं शुरू में जब मैं शुरू किया था ना यूट्यूब जिदू स्टार्ट किया सी, उस वक्त मैंने ये वाली मार्केट मीडिया पैक्स, ये वाइटा स्टार्ट में है, इसकी शाखें अलग अलग ना, जैसे इसकी मानहाई में भी है, इसकी ओफनबाग में भी है, इसकी रोनहाई में भी है, और ये वाइटा स्टार्ट में है। तो इनकी छोटी 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 शाखें खुली हुई हैं, तो इनकी चीजें अगर यहाँ नहीं मिलेंगी तो दूसरी शाख शाख जो भी इसकी है मतलब वहां पर जाकर ले सकते हैं। तो खैर मैं जब शुरू में डाली थी ना वीडियो, तो बड़े लोगों ने मुझे इससे मार्केट का नाम पूछा था और कहाँ पे ये मार्केट है, इसलिए मैंने सबका नाम ले दिया, जिस जिसके जो भी नेड़े पैंदी ना उठे तो चले जाए, मुझे ये नेड़े पड़ती थी मैं यहाँ पे चले गई हूँ। खैर यहाँ पे आके ना तो बंदे का एकदम तो ख्याल आता है कि एवं पाकिस्तान में चीज़ें चुक लिया, इतनी तो सारा कुछ मिल जाता है, क्योंकि गोरों की मार्केट में इतनी चीज़ें नहीं होती देसी हमारी, यहाँ की जो मार्केट है तुर्की लाडन जो होते हैं वहाँ पे जाए ना तो बंदे को होता है कि हाँ इतनी दूर से ऐसे इतना वजन उठा के ले आते हैं। यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ बेडशीट वगैरह पूरा, पिलो कवर जो होता है, रजाई कवर, साथ मटरासे का कवर और तकिए, पूरा एक सेट सेट बना होता है ना, इतना महंगा भी नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करें मतलब जरब तकसीम करें ना, पाकिस्तानी उतने ही पैसे बनते हैं जितना सी उतने खप खुप के चीजें उठा के लेके आते हैं। जो तो पाकिस्तान ही ना जा सकते उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ये जायनमाज पड़े हैं 4 यूरो के, सच्ची भी मैं उधर से इतना भारी भारी उठा के लेके आई हूँ, जब ऐसी चीजें देखते हैं ना तो जैसे मैं गई हूँ तो फिर गुस्सा ही चढ़ता है ना, हाय मैं क्यों ले आई इतनी ज्यादा वजनी, और इतनी सारख पाई होती है उधर ढूंढने में चीजें, और सबसे जो मुझे मुश्किल काम लगता है ना वो उठाने होते हैं, उधर से छापर इस दुकान पे जाए उस दुकान से जाए, और वो बैग उठा उठा के, जो चूटिया उठा उठा के उंगलियों में सच में निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसी अगर शॉप में जाते हैं ना फिर
बंदे को बड़ा पछतावा था क्यों इतना सरक पाई। तो जो नहीं जा सकते पाकिस्तान में, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, है देखो इतने जाके सारा कुछ लाभ जाता है। इतना अच्छा है, सबसे जो मुझे किसी चीजें लगती है ना, इसका मोबाइल, इसका फर्नीचर, इनके सोफे, इनके बेड, तो दिल खुश हो जाता है। इनकी डेकोरेशन देख देख के, खैर महंगी तो है, ये नहीं बंदा कहे कि बड़ी सस्ती, तुम जाके इंज चुक लो, इंज नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपने कोई चीज लेनी है तो बंदा सोच के ले, तो थोड़ी सी सेविंग करके इस मार्केट में जाए, तो फिर दिल खुश हो जाता है बंदे को चीजें लेने में। कोई पछतावा ही नहीं होता कि हाय मैंने पैसे लाने की लाई। ये देखो सच्ची में कॉर्नर स्टैंड इतना जबरदस्त था। खैर इसकी मैं प्राइस भी शायद दिखाऊंगी, 129 यूरो का शायद था। और इनके जो वास से और जो उसके ब्लूमन और जो फूल वगैरह सेट करके रखे थे, अभी मैं आपको एक जी और नुक्कड़ वाला जो पड़ा है वो भी आपके पास जाके दिखाती हूँ, इतना प्यारा लग रहा था। खैर यहाँ पे आके ना जो तो खुद चीजें बना लेते हैं, जैसे मेरी जेठानी ने, उसको बड़ी शौक ऐसी चीजें बनाने का, वो बड़े आइडिया लेती है यहाँ से और बना भी लेती है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे लगता है हाँ ये 139 का था पूरा वास ब्लूमन, मुझे लगता है पूरा ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि वास की ये सिर्फ प्राइस है। खैर मुझे ना जब मैं कभी घर बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आपकी दुआओं के साथ बड़ी दुआएं मिलती है जब भी मैं बात करती हूँ, तो हर किसी को होता है ना अपना घर हो, तो खास और जो औरतें लेडीज बहनें उनको तो होता है ना कि अपना घर तो अपना ही होता है ना। तो कभी एक बार, कभी कभी नहीं, जब हमेशा मैं सोचती हूँ तो अपना घर बनाऊंगी, तो इस शॉप से आके अपना मोबाइल लेके जाऊंगी। तो इंशाल्लाह सबको अल्लाह ताला अपना घर दे, सबकी ख्वाहिश पूरी करे, सबकी जरूरतें पूरी करे, और सारे अपने अपने जितने जितने चीज़ा लेना दिल कर ले। तो अभी मैं बर्तन वाली साइड पर आ गई हूँ, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतनी प्यारे इनके भी बर्तन होते हैं सच्ची में। मैंने कहा डिनर सेट अगर आपने लेना तो यहाँ से आके ले ले, पूरा सेट पाकिस्तानी स्टाइल का मिल जाता है, डोंगे और चावल। यहाँ पे जो गोरू की मार्केट है ना, वहां पे आपको पता है सिर्फ प्लेट्स वगैरह मिलती है, 6 छोटी 6 बड़ी, 6 कप, 6 पिरचे, ऐसे छोटी छोटी बस, ना उनके अंदर डोंगे होते हैं, ना चावल की ट्रे होती है, डिशेस वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आपने डिनर सेट लेना है ना, तो इन्होंने 70 70 यूरो का काट के लगाया होगा, जैसे 139 से काट के 64। मैं प्राइस साथ साथ आपको दिखा रही हूँ, हाँ जितने जितने नेड़े है, जिस जिसने जो लेना है यहाँ से जाके लिए। मैं प्रमोट नहीं कर रही इस मार्केट में, आपका फायदा देख रही हूँ कि पता मुश्किल होता है, जो पाकिस्तान नहीं जा सकते उनको शौक भी होता है बर्तनों का या ऐसी चीजें लेने का, तो उनको मैं बता रही हूँ। ये ना समझे कि पता नहीं मैं इस मार्केट पैसे लेने तो मैंने प्रमोट करने दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मुझे ये है कि आपको अच्छा लगे, अगर आपने लेना है तो आप जाके ले सके, इसलिए मैं सिर्फ बार बार इस बात मार्केट का नाम ले रही हूँ, क्योंकि मैं भी चीजें ले लेती हूँ और अच्छी होती है, मैं लेके भी आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। खैर घूमी फिरी बड़ी हूँ, जो चीजें लाऊंगी ली है वो मैं घर जाके आपको जरूर दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ बर्तन वगैरह, कुछ गिलास वगैरह, कुछ इनके बॉटल्स वगैरह अच्छी थी और सस्ती भी थी, ये भी नहीं बंदा कहे कि अफोर्ड नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, बड़ी प्यारी प्यारी इनकी चीजें थी। तो जब आप जाते हैं ना, तो फिर बड़ा सा दिल निकाल के और बड़े से पैसे निकाल, बड़ा सा पर्स लेके जाए साथ, बड़ा सा दिल के साथ, बड़ा सा बैग लेके जाए जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हो, तो फिर आप इस मार्केट में जाएं, तो फिर आप चीजें उठाएं, ताकि तुसी कहो हाय चक्कर भी लाया तो ले आ भी कुछ नहीं, जैसे हम लोग अक्सर कर जाती है ना कि जाती हैं तो अच्छा नहीं नहीं ये तो महंगी है, अच्छा नहीं चल फिर आवागी उस मार्केट से ले लूंगी, उस मार्केट से ले, ऐसे करते करते जब छोड़ आते हैं ना, फिर घर के बड़ा पछतावा होता है। तो बेहतर ये कि जो तुम जाओ ना खुली अपनी जेब ले आके, तो फिर जायो। ये 2 2 यूरो के ना बॉल लगे थे, मुझे समझ नहीं आई टेढ़े मेरे बॉल, इसमें क्या आएगा, जो भी डालेंगे वो तो आगे आके तो निकल ही जाएगा, ना ना सैलड जाना ना योगर्ट जाना इसके अंदर। तो समझ नहीं आई ये क्यों इन्होंने लगाए हैं, ये किस लिए यूज होते हैं। खैर ये इन्होंने लगाए हुए मसाला बॉक्स जैसे होते हैं, कुछ भी डाल लें आप, तो ये इन्होंने बड़े अच्छे सस्ते लगाए हुए थे, 3 3 2 2 यूरो के 3 3 पैकेट, 3 3 शीशियां थी, बड़ी छोटी फिर छोटी, तो काफी अच्छी थी। ये भी लेके गई हूँ, मैं आपको खोल के जरूर दिखाऊंगी जो मैं चीजें लेके गई हूँ। तो अभी मैं देख चुका सेट देख रही थी, तो मुझे ये था शायद एक देग जीतने की, लेकिन जब मैंने नीचे पढ़ा ना, तो 3 या 4 4 कप अच्छी वाली भारी देखती सेट थी। तो मैं जो भी लिया ना, मैं घर जाके तेन जरूर उखावगी सच्ची मुची, झूठ नहीं बोलांगी, वीडियो बड़ी लंबी हो जानी, तो तुम ना इतने मैनू दे दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी मुझे और मेरी फैमिली को। खास तौर में याद रखे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा।